हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी का आज के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने वीडियोस को एडिट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने वीडियो को प्रोफेशनल एडिट कैसे करें, वो भी काइन मास्टर में। अगर दोस्तों आपके पास काइन मास्टर ऐप नहीं है तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप लोग प्रोमोड काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि एडिटिंग से पहले मेरा वीडियो कैसा नज़र आता है और एडिटिंग के बाद कैसा नज़र आता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे एडिट कैसे कर सकते हो, वो जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो और साथ में घंटे वाले बटन को भी दबा देना। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको अपना वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले जो ये फोटोज़ गूगल फोटोज़ ऐप है इसको ओपन कर लेना है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फोटोज़ वाला ऐप है गूगल का, इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वीडियो सर्च कर लेना है। जैसे मान लो मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ, ये रहा है वीडियो, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप, ये वीडियो है दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप स्क्रॉल करके यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है अपनी वीडियो के हिसाब से। यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से बढ़िया एडिट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको कहाँ पर एडिट करना है वो बताऊंगा मैं। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। जैसे कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वाइट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ जिससे कि वीडियो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाईलाइट को कत्ते कम कर देता हूँ मैं, ब्राइटनेस बढ़ा दी और हाईलाइट -100, शेडो थोड़ी सी बढ़ा माइनस कर देता हूँ, ब्लैक पॉइंट पर माइनस कर देता हूँ, सेचुरेशन को बढ़ा देता हूँ मैं और वार्म्थ को माइनस कर देता हूँ, टिंट को बढ़ा देता हूँ मैं, नहीं माइनस कर देता हूँ, और स्किन टोन को थोड़ा सा बढ़ा देना है या ब्लैक टोन को 100 कर देना है। यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। फिर सेव कॉपी पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉरी गाइज, टाइम ले रहा है। वीडियो सेव होने के बाद फिर यहाँ पर मैं अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओपन होने के बाद मैंने तो आधा वीडियो पहले बना रखा है तो मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ से फिर आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मीडिया का, इस पर क्लिक करना है, ये इस पर क्लिक करना है और आप जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। मैं इसको लगाना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने। फिर यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने एडिट किया था। तो मैं वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और यहाँ पर इस स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर इसको फुल कर देना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो आपने वीडियो लिया है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर फिर स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रोमा की, इस पर क्लिक करना है, इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद ये इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है।
आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपना वीडियो एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये जो शेयर वाला आइकन है इस पर क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर सकते हो। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में घंटे वाले बटन को भी दबा देना, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सकेगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।